माविया, मुल्ला नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक पर सोहेल, जो हमारे रजा पटेल जी की तरफ से इनामी राशि है। तीन बॉल पे 3 सिक्स लगाते हैं तो 3000 का इनाम है। सरफराज फकी ने गेंद को फील्ड किया, जो आज 40+ क्रिकेट खेलते हैं। शहरी 40+ खैर ने 40+ टीम की तरफ से हाल ही में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, लोकनेत्य चषक ट्रॉफी कोपरी में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हाफ ट्रैकर बॉल था, शॉर्ट आर्म पोल करने का प्रयास था, गेंद टप्पा खाने पर थोड़ी सी कांटा बदलती हुई और पपले अबाय, देखिए विकेट कीपर के पीछे वहां पर पपले अबाय हमारे, देखिए पीछे से गेम। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में CSK और इंडियन टीम की तरफ से विकेट के पीछे रहकर गेम चलाते थे, मास्टर माइंड है हमारे पपले अबाय और अनुभव की कोई कमी नहीं। आजाद खेरने क्रिकेट के एक सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ खिलाड़ी हमारे पपले अबाय। ये कड़क शॉट है, लंबाई की तो पूरे 6 रन होंगे लेकिन रिजल्ट होगा एज पर नियम यानी रूल्स के हिसाब से 2 रन। नौमान खान, नहीं मैं इसलिए पूछा खासतौर पर हमारे एक नौमान पटेल खिलाड़ी भी है उस्मान पटेल के भांजे। ओ परफेक्ट यॉर्कर, क्या बात है, बिल्कुल जड़ में, ना तोड़ है ना जोड़ है, ये खिलाड़ी और गेंदबाज बेजोड़ है। इस बार बिल्कुल ब्लॉक में गेंद डाली थी, देखिए इसलिए कहते हैं क्रिकेट में दो ही लोगों का यहाँ पर रेस्पेक्ट किया जाता, ये तो परफेक्ट यॉर्कर एक तेंदुलकर। KPL खेर ने प्रीमियर लीग 2024। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट नौमान, फुल टॉस गेंद, इस बार ऑन साइड में गेंद हवा में खेला है, सरफराज फकी बॉल के नीचे और ड्रॉप कैच, जब आसमान में गेंद थी ना, गेंद फलक में थी और सरफराज फकी की जान हलक में थी और बल्लेबाज शुक्रिया अदा करना चाह रहे ऊपर वाले को, जिस हिसाब से उन्होंने ऊपर देखा सोहेल ने, बाल बाल बचे जीवन दान, ऐसा लग रहा नींबू मिर्ची जेब में लेकर घूम रहे, किस्मत ने उनका साथ दिया है। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज माविया, मुल्ला ऑन स्ट्राइक पर होंगे। इस ओवर की अब तक बात करें तो 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिया है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस यहां पर नौमान की। ये इनसाइड आउट स्ट्रोक, क्रैकिंग शॉट, थोड़ा सा और वाइडिश होता यानी जो खास तौर पर हाजिर ऑफ आमिर मियां पटेल, जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर है, मुनावर साहब ने हमें बताया थोड़े समय पहले, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये एक दशक के लेजेंड खिलाड़ी जो आज हमारे बीच में नहीं है, खासतौर पर जाकिर हाजी यूसुफ पटेल, 2 पवेलियन एंड बनाए गए हमारे कमेटी की तरफ से। स्कोर की तरफ लेकर चलेंगे आपको, आखिरी बॉल पर सिंगल आया एक ओवर के खेल के बाद दोपहर के सत्र का ये मुकाबला। सला डीजे जरा आवाज वाड़वा नहीं तो आमचे वंदे लगिल। स्कोर हो चुका है टोटल 4। क्रिक लाइव की टीम हमारी, सचिन मुंडे, बंटी तांडेल, तेजस, साहिल, हाल ही में पता चला साहिल ने बाइक लिया, आप 2 दिन नहीं आएंगे काम पे, सचिन मुंडे को उन्होंने लीव मांगा है और विकास कामले तो गोवा गए बर्थडे बनाने। एक ओवर का खेल पूरा हुआ, एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 4। दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं मनोज पाटिल सर, आज पहला दिन है, आज तो सुपर सैटरडे है, कल तो रविवार है, होगा शानदार शानदार रविवार यानी फाइनल दिन। एक ही चर्चा है कि साइकिल किसके घर पर जाएगी कल। ये अच्छा स्ट्रोक स्लॉट में बॉल थी, सामने वाले प्लॉट की तरफ खेला है, रन मिलेंगे सिर्फ 2। देखिए चौके और छक्के बटोरने हैं तो ऑफ साइड और लेग साइड की तरफ बल्ले ज्यादा घुमाना पड़ेगा। माविया मुल्ला के बैट से आया ये 2 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर। रौनक तांडेल काफी अच्छी यहाँ पर स्कोरिंग करते हुए, रिजवान दीवान आ चुके एक बार फिर मंच की तरफ क्योंकि उनकी टीम पहला मैच जीती, इसके बाद उनका मुकाबला है। तबरेज मुल्ला जी की तरफ से माविया मुल्ला जी के लिए यहाँ पर इनामी राशि आता हुआ, 3 बॉल पे 3 सिक्स लगाते हैं तो कड़क 3, यहाँ पर खास तौर पर 1000 का इनाम है यानी 500 के 2 नोट आ चुके हैं। शाकिब ओवर नंबर 2 में बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा गेम स्पीड अप करना है प्लीज, रिक्वेस्ट है, काफी टाइम ले रहे हैं। यस अंपायर क्या हुआ,
रवि जी पटेल की तरफ से इनामी राशि दावा शाकिब के लिए। हमारे खैरना गांव के अफसर भाई फ्रूट वाले, इनका हमारे मंच पर आगमन हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। अफसर भाई आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कमेटी के मेंबर रिजवान दीवान जी सत्कार करेंगे अफसर भाई का। रवि जी पटेल की तरफ से इनामी राशि, इस ओवर में अगर गेंदबाज शाकिब विकेट लेते हैं तो 2000। रविश भाई 2000 का इनाम। एटीएम कैप्टन और सभी प्लेयर लोगों से केपीएल कमेटी रिक्वेस्ट करती है कि कल आप सभी को जर्सी पहन के यहां पर उपस्थित रहना है। फाइनल मैच के हाफ में सभी खिलाड़ियों को केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से एक एक गावटी मुर्गी मिलने वाली है। अरे बाप रे। साथ में जो पहली नंबर की टीम होगी उसे एक बकरा दिए जाने वाला है। अगर आप सभी उपस्थित रहेंगे तो ग्रैंड सक्सेस होगा इस आईपीएल, इस केपीएल का। आप में से अगर कोई भी प्लेयर अनुपस्थित है, यहाँ पर नहीं आता है, तो अगले साल उसको केपीएल में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, बैंड किया जाएगा। तो आप सभी को कल भी जर्सी पहन के यहाँ पर उपस्थित रहना है। ये सभी टीम के सभी प्लेयर्स के लिए है। ये भी लाजवाब शॉट खेला गया, लेकिन गेंद हवा में है और नो मैन्स लैंड में गिरता हुआ, यानी गेंद गिरा है वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान। लगातार 3 सिक्सर के लिए यहाँ पर माविया मुल्ला के लिए 1000 का इनाम है तबरेज मुल्ला की तरफ से। स्कोर हो चुका है 14 रन। गेम थोड़ा स्पीड अप करना है। हमारे नाइक परिवार का आप देख सकते हैं पूरी तरह फ्लेक्स लोकनेते, दमदार आमदार, एरोली विधानसभा मतदाता आमदार हमारे लोकनेते सम्मानीय गणेश जी नाइक साहब, जिनके शुभातों से आज उद्घाटन किया गया। माजी खासदार, प्रथम महापौर नवी मुंबई के, यंगेस्ट महापौर, सबसे कम उम्र में महापौर पद भी जिनको मिली, यानी डॉक्टर संजीव जी नाइक साहब, माजी आमदार संदीप जी नाइक साहब और हमारे माजी महापौर सागर जी नाइक साहब। और आप देखते हैं हमारा अगला जो बैनर, कार्य सम्राट विद्यवान नगर सेवक हमारे मुनावर पटेल साहब। ये भी अच्छा स्ट्रोक है, स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन रन मिलेंगे सिर्फ 2। माविया मुल्ला के लिए इनामी राशि 3 लगातार सिक्स लगाते तबरेज मुल्ला की तरफ से 1000 इनाम। माही चाइनीज कॉर्नर के प्रोप्राइटर मुंशाहिद पावले जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आइए, और आए हुए तो उनका हम स्वागत करते हैं, वेलकम। केपीएल खेरने प्रीमियर लीग, खेरने गांव में सभी नागरिकों का, एक एक नागरिकों का, जिसका सभी का विशेष सम्मान किया गया। हाफ ट्रैकर बॉल, ये बड़ा शॉट, ये लाजवाब हिट, ये आसमानी टोला, माविया मुल्ला का बल्ला बोला, वाह भाई वाह, गजब का ये छे। गेंद और बल्ले की टाइमिंग और डीजे की टाइमिंग एक साथ होती है तो सब अच्छा नजर आता है। स्कोर फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है, स्कोर हो चुका है 22-22। अति बेबी आपका भी स्वागत है। ओ, इस बार इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेलने का प्रयास था, बैट का बिल्कुल निचला हिस्सा लगा है माविया मुल्ला का, अंपायर का सिग्नल 1 रन, ये डिक्लेयर रन है, बैट से रन पीछे की तरफ डिक्लेयर रन तभी होगा। सभी खिलाड़ियों को मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा ब्लैक स्क्रीन जो पर्दा नजर आ रहा है उसके बाहर डायरेक्ट गेंद गिरता है तो सिंगल आता हुआ। इस बीच टोटल स्कोर 23-23 रन। गेम
कंटिन्यू रखना है, मैच रुकना नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है हमारी कोर कमेटी की तरफ से, मैच कंटिन्यू करना है, अभी भी 3 मैच है दोस्तों। देखिए फिर ओवर्स में कटौती की जाएगी, फिर आप ओनर्स आप मत कहना फिर कि यहाँ पर ओवर्स क्यों कम किए जा रहे, इतना बड़ा बढ़िया आयोजन किया गया है हमारी कोर कमेटी की तरफ से। कोपरी गांव के हमारे फहीम खान सोनू, आपका हम स्वागत करते हैं फहीम भाई मंच पर। कोपरी गांव के हमारे एक स्टार क्रिकेटर, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, इंजरी है शोल्डर इंजरी फिलहाल, फिर भी उसके बावजूद गांव के लिए अच्छा क्रिकेट खेलते हैं लगातार जू गांव में, जिन्होंने दमदार गेंदबाजी की। फहीम खान सोनू आपका हम स्वागत करते हैं। रमजान बॉलिंग मार्क पर, हाफ टैकर बॉल थी, पुल जरूर किया है, ऊंची काफी गई है गेंद, देखना है क्या डिस्टेंस कितना पूरा किया जाएगा। दो रन आते हुए यहां पर माविया मुल्ला के बैट से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25-25। मुनावर पटेल साहब ने इस वर्ष क्या किया है, देखिए दोस्तों केपीएल का पहला सीजन और एक एक नागरिकों का विशेष सम्मान हुआ है, यानी घर पर जो भी हमारा भाई जाएगा अपने घर वालों को कहेगा कि आज हमारा केपीएल में विशेष सम्मान किया गया और हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक मुनावर भाई ने यह कारनामा किया है। अजय जी पर्डे की तरफ से यहाँ पर सोहेल के लिए लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000 रुपए है, राजा पटेल की तरफ से भी, रजा पटेल की तरफ से भी यहाँ पर इनामी राशि 1000 है सोहेल के लिए, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया है सिक्स। आफ्टर बॉल सामने की तरफ, इस बार गेंद को उड़ाया है और 2 रन पाया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 की मदद से 29-29। माही चाइनीज कॉर्नर के हमारे मुशाहिद पावले जी आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आइए, और आतिफ बेबी आपका भी स्वागत है। ओवर द विकेट, ओ इस बार आगे की बॉल थी और शायद बैट्समैन आउट होंगे, बिल्कुल एलेक्स कैरी और जॉनी ब्रेस्टो वाला जो विवादित रन आउट कॉन्ट्रोवर्सल। यस मुनावर साहब, मुशाहिद पावले जी का सम्मान केपीएल कमेटी के हमारे मुशाहिद पावले जी का सम्मान केपीएल कमेटी के हमारे दीवान करेंगे, रिजवान दीवान। साहिल जी पटेल, परफेक्ट डीजे, साहिल जी पटेल का हम स्वागत करते हैं। आज एग्जाम था 10वीं बोर्ड का मुनावर साहब, और जो कि अब खत्म हो गया, कल छुट्टी है तो साउंड की ज्यादा पाबंदी अब नहीं होगी, हम यहाँ पर डीजे और साउंड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, साउंड का रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से मुनावर साहब ने कहा था डीजे वालों को थोड़ा सा डीजे कम बजाइए, क्योंकि 10वीं के जो विद्यार्थी है उनका एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज परीक्षा था उनका, हिंदी का परीक्षा था मेरे ख्याल से आज। बिल्कुल किसी छात्र का यहाँ पर कैसे पढ़ाई में बाधा ना आए, किसी प्रकार की दुविधा ना हो। रमजान बॉलिंग मार्क पर, ओवर द विकेट, पॉइंट के ऊपर से इस बार लॉफ्ट किया है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाता हुआ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, गेंद को फील्ड करने के लिए हल्की सी मिसफील्ड और यहाँ पर दिन दहाड़े एक्स्ट्रा रन चोरी की गई है। सोहेल आज आपके 1-2 किलो कन्फर्म कम होने वाले हैं, और ये अच्छा भी है, रमजान से पहले वजन कम कीजिए। स्कोर हो चुका है टोटल 31-31, रमजान ओवर द विकेट, पुल करना चाह रहे थे, और पपलिया भाई की विकेट कीपिंग देखिए, पपलिया भाई की विकेट कीपिंग के लिए तालियां बननी चाहिए दोस्तों। मुनावर भाई कितना एज हो गया उनका, 57-58 वर्षीय खिलाड़ी है देखिए पपलिया भाई, और नजर देखिए, पैनापन देखिए यहां पर गेंद के ऊपर, ये दर्शाता है क्रिकेट में सिर्फ कह सकते हैं कि एज इज जस्ट नंबर, उम्र बढ़ती है, अगर आपके पास कला है ना तो हुनर का परिचय अच्छे अच्छे जगहों पर देखने को मिलता है। इमरान ताहिर 44 वर्ष में, जिन्होंने गुआना अमेजोन वॉरियर्स को यहाँ पर खिताब जिताया था, 44 वर्ष का कप्तान इतिहास में पहली बार। प्रवीण तांबे जिन्होंने 42 वर्ष में डेब्यू किया था राजस्थान रॉयल के लिए, और खासतौर पर कई ऐसे लेजेंड खिलाड़ी जो आज भी आप देखते हैं यहाँ पर, मैं नाम लेना चाहूंगा खासतौर पर
अपलया भाई हो गए जो आजाद क्रिकेट के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है, हनीफ भाई हमारे खासतौर पर, मुनाफ फकी, तमाम खिलाड़ी है, बहुत सारे लंबा लिस्ट है। और खासतौर पर अगर यहाँ पर जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो मुनार पटेल साहब जरूर उसको पूरा कर देंगे आने वाले समय में समय निकाल कर। स्ट्राइक पर सोहेल है जिनके जिनके लिए रजा पटेल की तरफ से इनामी राशि है, अजय की तरफ से इनामी राशि है, पाडे अजय पाडे, धीमी बाउंसर थी इस बार, पहले से बल्ला चला बैठे, थोड़ी सी खराब क्रिकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। अब तक सोहेल ने थोड़ा सा निराश किया अपने बल्लेबाजी से। खेरना गांव के भूमि पुत्र शाहनवाज पटेल, इनका सम्मान रिजवान दीवान केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से करेंगे। शाहनवाज पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक एक इंसान का जब सम्मान होता है इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही आप देख सकते हैं ये कार्य हो सकता है, जब किसी नगर सेवक का पूरे हर एक गांव में हर एक घर पे उस व्यक्ति पर उनका ध्यान रखना होता है, उनकी देखभाल की जाती है, वही असली नगर सेवक होता है, वही असली नागरिक होता है, वही असली कार्य सम्राट कॉरपोरेटर होता है। मुनावर पटेल जी आप देखते हैं आज पूरे खेरने गांव में एक एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका सबका, छोटे हो या बड़े हो, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं, जात पात कुछ भी नहीं, सभी का सम्मान किया गया क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी जात पात नहीं देखी जाती है। और नवी मुंबई प्रीमियर लीग में मुनावर साहब हमने देखा यहाँ पर खासतौर पर ब्लैक लीव्स मैटर दूसरे संस्करण की बात, तीसरे संस्करण की बात करें, संदीप जी गणेश जी नाइक प्रस्कृत प्रतियोगिता में हमने देखा है कि यहाँ पर जात पात को यहाँ पर हमेशा से दरकिनार किया गया है नाइक साहब के परिवार के माध्यम से और मुनावर पटेल साहब के माध्यम से। चलिए इस बीच एक बड़ा स्ट्रोक आया है और लगता हुआ है सिक्सर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38-38। डीजे ठोकिए। ये कड़क शॉट, पिकअप शॉट, सोहेल का बल्ला शांत था लेकिन अब उन्होंने तहलका मचाया है। कहा था गेंदबाजी टीम को तुम्हारी बारी थी लेकिन अब शॉट मेरा ले भारी है। ओवर द स्क्वायर लेग सिक्स जड़ा है सोहेल ने, दो गेंदे से 1000। वाइड आता हुआ इस बीच, फहीम खान जो हमारे कोपरी गांव के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी और एक्सपीरियंस और सबसे तेज गेंदबाजी करने वाले एक दशक में गेंदबाज हमारे फहीम खान, सोनू भाई का हम विशेष सम्मान करेंगे। मंच पर आइए सोनू भाई। चलिए तीन गेंदे तीन सिक्सर, वाइड जरूर थी लेकिन उसके बाद एक बड़ा शॉट सोहेल के बल्ले से, सोहेल के लिए तालियां बननी चाहिए। चाल धीमी ही सही, लंबी रखना अपनी उड़ान, चाल धीमी ही सही, लंबी रखना अपनी उड़ान, कठिन परीक्षण के बिना कहा कोई बनता महान। सोहेल धीमी बल्लेबाजी किया उन्होंने लेकिन आप देखिए तहलका मचा रहे मैदान पर। तीन गेंदे तीन सिक्सर, स्कोर हो चुका है 51-51 रन एमडी हसन टीम का हो चुका है। एक और वाइड गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52-52। कमेंट्री में फोकस रखिए, मैच में फोकस रखिए, स्कोर अपने आप पता चलेगा। 52 रन्स, स्ट्राइक पे तो आने दीजिए, क्या नॉन स्ट्राइक से कहां से छक्के मारेंगे। ओवर द विकेट ये बॉल, बीमर खराब गेंदबाजी, पहला वॉन होगा अंपायर की तरफ से गेंदबाज के लिए। एक और बीमर डालते हैं तो इनको इस मैच में बॉलिंग के लिए निलंबित किया जाएगा। स्कोर की तरफ आपको लेके चलेंगे, अगली गेंद होगी फ्री हिट, नेक्स्ट बॉल विल बी द फ्री हिट। स्कोर हो चुका है 53-53 रन। पिछले मैच में कैफ खान ने केपीएल का पहला अर्धशतक लगाया, 93 का टारगेट रखा गया था उस मैच में, 91 रन। ओवर द विकेट, बॉलर तैयार, स्लोअर वन बॉल थी, बैट पहले घुमाया उन्होंने जिसकी वजह से गेंद बिल्कुल निचले हिस्से पे लगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा रुकते तो बैट गेंद मिडल ऑफ द बैट होता था, शायद रिजल्ट कुछ और होता। चलिए फिर भी सिंगल आया है, छोर बदला है,
शोर मचाया अब तक बल्ले से सोहेल ने। आज माविया मुल्ला ने अच्छी शुरुआत दी इस टीम को और एमडी हसन सबसे कम उम्र के हमारे ओनर जो इस टीम के पहला मैच खेल रही है टीम और केपी थंडर के लिए इंपॉर्टेंट मैच, पहला मैच हारे थे वो अपना। ऑन दी टो अपर कट करने का प्रयास, ये भी नो बॉल है। अब देखना अंपायर किसके लिए नो बॉल इन्होंने फरमाया है, देखना चाहेंगे। यस साइड लाइन ओवर स्टेप, सैफ कालिया जो बल्लेबाजी कर रहे। देखिए जो आप ये सब नाम बता रहे हैं ना, प्लीज जो इनका रियल नेम है वही बताइए। हाँ प्लीज, ना तो आपके भी कुछ नाम होंगे फिर सामने वाला बताएगा तो फिर आप बुरा मत मानना। ऑन साइड की तरफ यहाँ पर स्ट्रोक खेला गया, मिड विकेट की तरफ वहां पर खिलाड़ी मौजूद। गेंद पकड़ते समय थोड़े फंबल हुए, गेंद छिटकी हाथ से लेकिन आखिरकार गेंद को थ्रो किया उन्होंने। सैफ के बल्ले से आया सिंगल है, ओवर की हुई समाप्ति। चार ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 56, हमारे 56 रन। भारतीय जनता पार्टी के नवी मुंबई के महामंत्री सूरज जी पाटिल इनका आगमन हुआ है केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। सूरज जी पाटिल आपका केपीएल कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। मंच पर जिनका आगमन हुआ है नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी महामंत्री कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक कुक्षेत गांव के हमारे सूरज बालाराम जी पाटिल साहब, मुनावर जी पटेल साहब के जिगरी दोस्त, जिगरी यार, हमेशा से साथ और दुख सुख में रहने वाले हमारे सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का मंच पर आगमन हुआ है। यस फहीम खान सोनू भाई का हम विशेष सम्मान करेंगे, कमरान भाई आप करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात होगी। यस बेस्ट जो दोस्त है रिजवान दीवान राइडर टीम की तरफ से इस बार नेतृत्व कर रहे हैं आइकॉन खिलाड़ी और फहीम खान सोनू अदनान पटेल भाई के हमारे जिगरी दोस्त है और जितना प्यार मेरे ख्याल से कोपरी में मिलता है उतना ज्यादा ही प्यार खेरने गांव में फहीम भाई को मिलता है सोनू को, नो डाउट। हमारे मुनावर साहब की तरफ से उनका भी स्वागत है। मंच पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई महामंत्री कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक कुक्षेत गांव के हमारे सूरज बालाराम जी पाटिल साहब, सूरज दादा का आगमन हुआ है मंच पर। स्कोर हुआ है टोटल 57 रन। यस मैच रुका क्यों है, सैफ ऑफ स्ट्राइक पर होंगे, सैफ तबरेज जी मुल्ला की तरफ से सैफ के लिए इनामी राशि 3 लगातार सिक्सर के लिए 1000 कैश आ चुके हैं। बैंक बंद है फिर भी कैश डिपॉजिट हो रहे हैं, देखिए स्टेज पर आप ट्रैकर बॉल थी टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीची रहती हुई, उतनी गेंद बाउंस नहीं हुई जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे बल्लेबाज, उम्मीद जता रहे थे लेकिन आता हुआ इस बीच ये डॉट बॉल पपलिया भाई विकेट के पीछे 57। अंपायर का सिग्नल है नो बॉल। यस अंपायर बताना किस लिए नो बॉल दिया गया है, थ्रो बॉलिंग पकड़ी गई है। यस बिल्कुल क्रिकेट में जब आप गेंदबाजी करते हैं 360 हाथ आपका पूरी तरह रोटेट होना चाहिए, कई खिलाड़ियों के इस चक्कर में करियर बर्बाद हुए। प्रज्ञान ओझा पहला नाम, सईद अजमल ऐसे खिलाड़ी है जो एक समय पे लगातार 5 विकेट्स हॉल धर धर लेते जा रहे थे लेकिन उनका करियर बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो हाथ थी 360 रोटेट नहीं होती थी जिसकी वजह से ICC ने बैन किया है। मुथैया मुरलीधरन एक ऐसे खिलाड़ी जो यहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी उनके एक्शन पे सवालात उठते थे और आखिरकार दुनिया के ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे सर्वाधिक विकेट लिया है टेस्ट में 800 विकेट, उनका अब तक किसी ने पीछा नहीं कर पाए। जिमी एंडरसन हालांकि उनके पीछे हैं लेकिन आने वाले 1-2 साल और जिमी एंडरसन खेल पाएंगे, उसके बाद मेरे को लगता नहीं है यहाँ पर कि वो आंकड़ा यहाँ पर छुपाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एज ए फास्ट बॉलर अगर टेस्ट में किसी ने विकेट लिया तो जिमी एंडरसन। जो चार दोस्त हमारे जा रहे हैं देखिए स्टेज के सामने से उनसे रिक्वेस्ट, थोड़ा फटाफट जाइए प्लीज। ये जो बाउंड्री ऑफ साइड की जो बाउंड्री लाइन की जो पर्दे लगे हुए वहां पर कुछ खिलाड़ी है उन्होंने पैर वहां पर रखे हुए, वो पैर आपका थोड़ा पीछे लेना है। यस हमारे अमान लायंस के खिलाड़ी है वहां पर कुछ। मंच पर आप देख सकते हैं नवी मुंबई के हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री डैशिंग व्यक्तिमत्व कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक सूरज बालाराम जी पाटिल साहब मंच पर उपस्थित। स्कोर टोटल है 58, हर बॉल के बाद डिस्कशन चल रहा है।
हाजी रऊफ आमिर मियां पटेल डगआउट में। कुछ हमारे जो दर्शक है उन्होंने अपने पैर बाउंड्री लाइन के अंदर पर्दे के आगे रखा है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज। हनीफ भाई पुलिस पटेल हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है, बच्चे लोगों को कहिए कि थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर उन्होंने पैर रखे, वहां पर बैठे उनको थोड़ा अंदर बैठने बोलिए डगआउट में। कैफ खान वोट प्रदर्शन लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कमरान पटेल भी एक अर्धशतक तक लगाएंगे। केपीएल अधूरा होगा जब तक केपीएल 50 में अगर कमरान का नाम शुमार नहीं होगा, और जल्दी आएगा 50 हो, और रिजवान दीवान की यही अपेक्षा उम्मीद। सूरज दादा रिजवान दीवान ने भी इस बार टीम खरीदी है केपीएल में, पहला केपीएल और पहले केपीएल में ओनर, उनकी टीम पहला मैच जीती भी। पपलिया भाई आपने क्या किया मनकड़िंग, अंपायर बातचीत कर रहे लेकिन अब तो आईसीसी में नियम आ गए भाई, रनआउट में कंसीडर किया जाता है। मनकड़िंग विनोद मंकड़ को पहली बार इस तरह आउट दिया गया था, तब से यह मनकड़िंग नाम रखा गया क्रिकेट में। जॉस बटलर को इसी तरह अश्विन ने आउट किया था, अश्विन ने एक बार सुचित्र सेना नायके श्रीलंका के खिलाड़ी थे उनको भी इसी तरह आउट किया था। यस अंपायर यस आउट। देखिए कई लोग कहेंगे कि ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, लेकिन अब क्रिकेट में ये नियम आ गए। पपलिया भाई कह रहे हैं कि सब कुछ जायज है। डॉट बॉल, देखिए ये बड़ा जुआ खेला यहाँ पर फील्डिंग टीम ने, उलट फेर किया है, पपलिया भाई को आखिरी ओवर दिया है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि इनको बॉलिंग पे लाया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर इन क्रिकेट, हमेशा एक्सपीरियंस महत्व रहता है क्रिकेट में। और पपलिया भाई 56-57 ऑलमोस्ट 57 साल के हो चुके हैं, और आप देखते हैं अभी भी वही फुर्ती जज्बा क्रिकेट के लिए उनका देखने को मिलता हुआ, तरोताजा पूरी तरह अभी नजर आ रहे हैं, पूरी तरह आप देख सकते हैं एक्टिव। स्कोर हो चुका है टोटल, स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, 60 रन। इस बीच ये गेंद चकमा दिया पूरी तरह बल्लेबाज को यहाँ पर गेंदबाज पपलिया भाई ने, इनिंग की बची हुई गेंदे अब यहाँ से शेर से रोनर प्लांडल में बताएंगे। आखिरी बॉल, इनिंग की लास्ट बॉल, टॉस, इसके बाद टॉस किया जाएगा। अगला जो मैच खेला जाएगा केजी वॉरियर्स और रिजवान दीवान राइडर्स के बीच अगला मैच होगा, और यस नेक्स्ट मैच। चलिए इनिंग कंप्लीट हुआ है, टोटल इस बॉल पर रन आए कुल 2, यानी 62 रन बने, 63 का लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पर विशेष सम्मान करने इस टूर्नामेंट में। आज हमारे खेरने गांव में पहली बार इतिहास में प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया मुनावर जी पटेल के माध्यम से, और उनको बधाइयां देने के लिए हमारे कुक्षेत नगरी कुक्षेत गाँव से नवीन भाई भारतीय जनता पार्टी महामंत्री कुक्षेत गांव के कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक भाग्य विधाता हमारे कुक्षेत नगरी के सूरज बालाराम जी पाटिल साहब, सूरज दादा का आगमन हुआ है हमारी कमिटी के भाईजान से। मैं रिक्वेस्ट रहूंगा प्लीज अपने शुभ हाथों से यहाँ पर सूरज दादा का विशेष सम्मान करना, कैमरामैन फोकस करो, विशेष सम्मान हमारे सूरज दादा का। एवन जोड़ी मुनावर पटेल सूरज जी पाटिल, दोस्ती दुनिया की बात की जाए सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देने वाले सूरज दादा का यहाँ पर आईजी केजी वॉरियर्स और आरडीआर रिजवान दीवान राइडर्स कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है।
चलिए कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे वाशी गांव के हमारे बुलंद आवाज और हिंदी के एक बेताज बादशाह कमेंट्री के हमारे मनोज जी पाटिल कॉम बॉक्स पे। सेकेंड इनिंग की 63 रनों की कहानी उनकी जुबानी। हेलो हेलो, धन्यवाद सचिन। आईपीएल के 16 साल के इतिहास में पहली बार खेलने प्रीमियर लीग का आगाज, यानी घर घर में छुपे युवा खिलाड़ियों को जबरदस्त प्लेटफॉर्म। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 यानी 64 रनों का टारगेट, बराबर ना? हमारे नंदू जी भाले राव, हुजेब पटेल, रिजवान पटेल, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग टॉस के बॉक्स पर आइए, उपस्थित रहिए, आपके हाथों टॉस किया जाएगा। हुजेब पटेल, रिजवान अयुब पटेल, नंदू भालेराव जी, पर टीम के कप्तान और इस मैच के दोनों अंपायर, मेरी गुजारिश है अभी भी हमें 3 मैच और खिलवाने बाकी है। फ्रंट लाइन की यह व्यवस्था की गई नहीं है, समय के साथ चलिए क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। हम सूरज को पकड़ के नहीं रख सकते, इसलिए समय के साथ चलिए। यहाँ पे जो सूरज आए हैं उनको पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन जो आसमान का सूरज है उनको पकड़ के नहीं रख सकते। देखिए, महामंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में उनका नाम लिया जाता है। खास करके हाल ही में कुक्षेत गांव में नगर सेवक चषक हुआ था, उसमें उनका योगदान बहुत ही तारीफ़ काबिल रहता है। क्रिकेट में बहुत ही बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो 63 यानी 63 रनों का टारगेट, यानी 5 ओवर यानी 30 गेंदों में चाहिए 63, यानी प्रति ओवर में चाहिए 12.60। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल होता है, किसी भी बात की भविष्यवाणी कर पाना गलतफहमी होती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा ठोका कि कोई भी टारगेट जीत की गारंटी नहीं देता है। यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, वो मैदान होता है जहाँ पे रिहर्सल नहीं, सीधे परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो चलिए, 30 गेंदों में चाहिए 63 रन। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज पर मैदान पर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है अकबर, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है रमजान। पहली गेंद लॉन्च कर दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कोर के सर के ऊपर से, मिलेंगे शायद 4 रन से। जी ने अच्छा फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कोर के खिलाड़ी के माध्यम से अच्छी फील्डिंग, लेकिन इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर दिया। तो इस 2 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज अकबर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। साजिद तांडेल, अगर साजिद करके अगर 2 कैच लपक लेते हैं, सुभान तांडेल और कैश मुखरी, इनकी तरफ से 2000 यानी कैश लपक लीजिए और 2000 की धनराशि कमाई। आज शनिवार का दिन है, ये पैसे आपको कल लागू जरूर होंगे। भाई, सोशल मीडिया का दौर है, आपको हार्ड कैश देने की जरूरत नहीं है, ईडी का छापा गिर सकता है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे आएंगे। और अक्सर ये होता है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके कोने कोने में नोट छुपे हुए हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ है 3 रन, मंजिल है 63 रनों की, 60 रनों की अभी भी आवश्यकता। गेंद हो चुकी है केवल 2 रन, यानी लगभग 28 गेंदे बचे। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा था, चेंज ऑफ द फेस थोड़ा सा नीचे रखवा है और बल्लेबाज को चकमा दे दिया, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद जाती हुई। लेकिन पपलिया की हम बात करते हैं, पपलिया ने पिछले मैच में दमदार बल्लेबाजी की थी, वो अब तक नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए। तो स्ट्राइक बल्लेबाज अकबर को मुझे लग रहा है ज़्यादा सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करवाकर पपलिया को स्ट्राइक में लेने का प्रयास करवाना चाहिए। स्ट्राइक पर अकबर है, बराबर ना? इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, सलीम उड़ाप के खिलाड़ी है, जाना पड़ेगा। जी नहीं, ये आसान सा लॉलीपॉप कैच नहीं पकड़ पाए, जीवनदान मिला है।
एक रन और मिलेगा इस एक रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा है 4 रन। नदीम पटेल अगर कैच पकड़ते हैं, शोयन भूषण मिया पटेल इनकी तरफ से 1000, यानी कैचेस पकड़ने के लिए भी पैसों की गंगा बहती है। स्कोर पर नजर डालते हैं, स्कोर पहुंचा है केवल 4 रन, यानी धीमी गति से रन बनाते हुए। गेंदे हो चुकी है 5 गेंदे हो चुकी है, 5 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे डॉट निकली है। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर सिंगल रन, 2 गेंदे डॉट निकली है, 5वीं गेंद पर फिर से सिंगल रन। हमारे स्कोरर जो है 64 GB का मेमोरी कार्ड लेके बैठे हुए हैं। यह कोई बात नहीं है, एक बार गलती होती है वो इंसान कहा जाता है, बार बार गलती होती है उसे गधा कहा जाता है, कोई बात नहीं होती रहती है। स्कोर पहुंचा 6 रन। देखिए स्कोरर का को स्कोरर मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं। देखिए कैचेस के लिए पैसे लगाने जरूरी है। 4 बॉल हो चुकी है, 2 बॉल अभी भी बाकी है भाई। 2 सफेद हाथी मैदान पर उपस्थित है। भाई अंपायर बॉल कितने हो गए, 5, 4 ओके चले 4 बॉल हो चुकी है, 1 वाइड बॉल बराबर 4 बॉल हो चुके है। स्कोर पहुंचा है 5 रन। 63 रनों का टारगेट है, पुल शॉट करने का प्रयास वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र में। आसान सा कैच जाना पड़ेगा, पहले विकेट का पतन, 5 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन हो चुका है। और सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर अकबर के रूप में, अकबर ने 3 रनों की पारी खेली और अपना बहुमूल्य विकेट गंवा दिया और पहली सफलता। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, जिस नाम की चर्चा चल रही थी, जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। देखिए मैच को इस बार ढकेल दिया, गेंद को शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई है, रन चुराने का मौका है। देखिए आते ही पपलिया ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया इस 1 रनों के साथ 6 रन। देखा अगर कैच लपक लेते हैं साजिद करके तो इनको 2000 की धनराशि मिलेगी। सुभान तांडेल और फरहान सुरमे में पैसे अभी आए नहीं, केवल 1000 रुपये आए हैं, पहले पैसे पहुंचा दीजिए। सचिन गिरी जी कमेंटेटर को कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं, अमूमन ऐसा हुआ है क्योंकि अनाउंसमेंट हमारे तरफ से होता है। जो भी पैसे स्कोरर के आगे मत बोलिए क्योंकि स्कोरर की धुलाई हो जाएगी बेकार में, क्योंकि स्कोरर भी मेहमान है, कमेंटेटर भी मेहमान है। चलिए स्कोर हुआ केवल 6 रन, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 24 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 56 रन। हमारे गांव के भूमि पुत्र मुनाफ खान जी, इनका आगमन हुआ है, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए मंच पर, आपका स्वागत होगा। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, शायद वाइड बॉल का इशारा प्लस 1 हो सकता है। जी हाँ, बाज के रूप में रन मिलता हुआ, 2 रन और मिलेंगे, इसे 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। वाइड बॉल, जी हाँ, वाइड बॉल टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन। अब चाहिए 24 गेंदों में लगभग 55 रन। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे तो बढ़ेगा लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाओगे। तो यहां से अगर इस मैच को जीतना है केपी थंडर्स के टीम को, तो बड़ी पारी खेलने की जरूरत होगी। सदस्य अदनान अयूब पटेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे मुनाफ खान साहब का सम्मान करें। देखिए हर खिलाड़ी का सम्मान किया जा रहा है, खेलने प्रीमियर लीग में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े मेहमानों का सम्मान किया जा रहा है और ये जरूरी होता है। ये एक बड़ा योग्यता रोल अदा करवाते हैं मनोहर पटेल सर,
खुद इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक है, लेकिन अपनी तरफ से किसी भी तरह की कमियां नहीं बरत रहे। हर दर्शक का, हर खिलाड़ी का, हर आने वाले मेहमान का सम्मान किया जा रहा है। खास करके जो लोग YouTube के माध्यम से इस मैच का मजा ले रहे होंगे, वो सोचने पड़ गए होंगे कि पहली बार आयोजक खुद अनाउंसमेंट करवा रहा है, खुद अपनी तरफ से सम्मान कर रहा है। तो चलिए, टीम का स्कोर हुआ इसे 1 रन के साथ 10 रन, अभी भी 53 रनों की आवश्यकता। तेईस गेंदों में अभी भी 53 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। तो क्या इसीलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि पैसे उन पे लगाए नहीं जा रहे हैं, उसकी तारीफ होनी जरूरी है क्योंकि पॉइंट का क्षेत्र ऐसा होता है जो जॉन्टी रोड्स, रिकी पॉन्टिंग, रॉबिन सिंह, अजय जडेजा ऐसे खिलाड़ियों ने इस जगह को हमेशा ताज़ा किया था, लेकिन इस बार देखिए डॉट शायद व्हाइट बॉल और युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, इन खिलाड़ियों ने चर्चा ली थी। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया जाएगा। देखिए बड़ा टारगेट है सचिन, ऐसा लग रहा है कि दोनों बल्लेबाज कोशिश भी नहीं कर पा रहे, लगता है बड़े ओवर की तलाश में है। देखिए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। हाँ, अगर इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे तो बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो रहा है। यहाँ एक बड़े ओवर की तलाश होगी केएफसी थंडर्स के टीम को, और खास करके बबलिया की उसमें बल्लेबाजी में वो दमदार है। ये देखिए नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन भाग्य ने साथ दे दिया। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया, इसे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। 63 रनों का टारगेट है, लेकिन पावर प्ले में रन नहीं बना पाए। जब आपको बड़े टारगेट को चेस करना होता है तो उस टीम को सबसे पहले आपको शुरुआत जबरदस्त करनी चाहिए। पावर प्ले में आपको कम से कम 25-30 रन बनाने होंगे, जहां से मैच आपको जीतने की उम्मीदें जीवित हो सकती है। इस बार ये देखिए हल्का सा मिस किया था गेंद को, रन चुराने की कोशिश करवाएगी, लेकिन शायद जाना पड़ेगा। और ये रनआउट हमेशा होते हैं, जैसे सचिन गिरी ने हमने कहा कि ये इनको किसी गेंदबाज के पक्ष में नहीं, इनको आउट कर पाना, ये ज्यादा रनआउट होते हैं। इंजमाम उलोक का भी यही रोल होता है, वो ज़्यादा रनआउट होते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में कभी 3 रन नहीं लिए थे, वो भी हमेशा रनआउट होते थे। तो दूसरे विकेट का बतन पपलिया के रूप में अब यहाँ से वापसी करवाते हुए MD हसन स्टार के खिलाड़ी, लेकिन अभी भी KP थंडर्स की टीम की कोशिशें जारी है कि एक बड़े ओवर की अगर तलाश हो जाती है तो मैच में वापसी करवा सकती है। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, सरफराज फक्की, एक और नए खिलाड़ी, इनके ऊपर भी खासा दबाव रहेगा। 40+ के खिलाड़ी है, बड़ा टारगेट है, अच्छी शुरुआत नहीं मिली, दो खिलाड़ी मैदान के बाहर जा चुके। अब यहाँ से यहाँ पर ये किस अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं ये देखना होगा, दबाव उनके ऊपर खासा रहेगा। अभी 20 ओवर की आखिरी गेंदें बची है, यानी 11 गेंदों का खेल हो चुका है। 11 गेंदों की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हैं, टीम का स्कोर पहुंचा 14 रन, जबकि मंजिल है 63 रनों की। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, लंबाई है, दूरी होने के बावजूद भी थोड़ा सा मैदान छोटा होने के कारण केवल वहां पे 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंचा है 16 रन, यानी 12 गेंदों की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए KFC थंडर्स टीम का स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पे 16 रन। अब 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए, तो 18 गेंदों में चाहिए 47 रन। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है लगभग 16.25 के करीब। अब ऐसे स्थिति में MP हसन स्टार के खिलाड़ी बतौर कप्तान गेंदबाजी में अगर बदलाव करवाते हैं तो किस गेंदबाज को आजमाते हैं ये देखना होगा। तो नदीम पटेल के लिए एक कैच के लिए सोएब मिया पटेल, हसन पटेल, इनकी तरफ से 1000। चलिए नदीम पटेल जी कैच लपक ले लीजिए और 1000 की धनराशि जो हमारे पास पहुंच चुकी है उस पर कब्जा जमा लीजिए। नदीम पटेल इनके लिए, सोएब हुसैन मियां पटेल इनकी तरफ से 1000 की धनराशि अगर कैश लपक लेते हैं। और नए गेंदबाज आए हैं उनके लिए, माविया मुल्ला, उनके भाई की तरफ से 3 गेंदों पर 3 विकेट लेते हैं तो 1000, यानी प्रति विकेट पड़ेगा 330 में, बराबर ना, 3 विकेट के लिए 1000, प्रति विकेट पड़ेगा 330 में। चलिए 18 गेंदों में चाहिए 47 रन।
12 बॉल में 34 रन चाहिए। तो चलिए 11 गेंदों में चाहिए था 33 रन, 33 रिमेनिंग। ये बहुत लंबा चौड़ा नो बॉल, जी हाँ नो बॉल, नो बॉल है। फ्री हिट भी रहेगा, अब तो फ्री हिट का फायदा उठाना चाहिए बल्लेबाज को। अच्छा मौका मिला है, बड़ा टारगेट जरूर है लेकिन फ्री हिट का मौका लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ से गेंदबाजी में अगर बदलाव किया है तो किस रणनीति में बदलाव करवाते हैं ये देखना होगा। फ्री हिट बरकरार है, ओवर पिच गेंद लेकिन मारने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चकमा खा बैठे, डॉट बॉल का इशारा, फ्री हिट भी कुछ फायदा नहीं, कमाल कर नहीं पाए। हमारे मापारे टाइगर्स के ओनर आजम मापारे, इनका भी सत्कार हमारी केपीएल ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से किया जाएगा। मापारे साहब आइए आइए, हाजी इलियास पटेल साहब से विनती करूंगा कि वो मापारे साहब का सत्कार करें। मापारे टाइगर्स के कैप्टन मतिन पटेल, मतिन पटेल आइए। खैरना गांव के मशहूर शायर मतिन पटेल जी, इनका सत्कार हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे। आप दोनों का ओनर बनने के लिए और यहां पर सहभाग लेने के लिए हमारी केपीएल कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मतिन पटेल जी और आजम मापारे जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए दो नो बॉल फेंके हैं तो नियमों के अनुसार गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। अब गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे नए गेंदबाज कामिल, आ चुके हैं गेंदबाजी पर। अगर स्कोर पर नजर डालेंगे तो अभी भी इस मैच को जीतने के लिए कुल मिलाकर 32 रनों की आवश्यकता, 31 रनों की आवश्यकता, 31 रनों की आवश्यकता, जबकि गेंदे है 11 गेंदे। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ये देखें सीधे ब्लॉक होल में विकेट का बटन, एक और विकेट का बटन। जैसे ही गेंदबाजी में ये फ्री हिट था, ये फ्री हिट था भाई, ये फ्री हिट था। चलिए अब भाग्य ने साथ दिया था लेकिन नसीब ने खींच लिया। धन्यवाद डीजे, 9 गेंदों में चाहिए 31 रन। केपी थंडर्स, केपी थंडर्स आपके जो डगआउट के जो खिलाड़ी है वो अंदर जाइए, बाउंड्री लाइन के आगे हो आप लोग, आपका जल्लोष जारी रखिए, आप टांगे ऊपर करके नाचिए लेकिन डगआउट के अंदर। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा सचिन, एक एक रन से काम नहीं चलेगा। वो तो ऐसा लग तो रहा है कि मुश्किलें बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस मैच में बना के रखिए पकड़ एमडी हसन स्टार के खिलाड़ियों ने। कैफी थंडर्स की कोशिश यहाँ से लगातार जारी है, हालांकि कैफी थंडर्स पहला मुकाबला हार चुकी है, यहाँ पे अगर हार जाएगी तो टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी।
स्कोर पहुंचा है, कुल मिलाकर स्कोर बना है 33। ये बड़ा शॉट मारा जरूर है, शायद एक रन लिया जाएगा। और ये तारीफ होना भी चाहिए, डीप्स कोरिया को बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजारा पेश किया है, क्या छोड़ा है लेकिन अच्छी फील्डिंग करवाई है। निश्चित रूप से गेंदबाज कामिल की भी तारीफ करना चाहूँगा, अच्छे गेंदबाज के साथ अच्छे फील्डरों का सपोर्ट मिलवाते हुए। ठीक है, गेंदबाजी पर बेटे ने क्या छोड़ा हुआ है, देखिए अच्छा योगदान रहता है, यह गठबंधन होना जरूरी था लेकिन नसीब ने साथ दे दिया, केवल एक रन मिलेगा। अब मैच तो निकल चुका है, मैच तो निकल चुका है एमडी एसएन स्टार के खेमे में। केफी थंडर्स के खिलाड़ी कोई भी अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर पा रहे, जानते कि बड़ा टारगेट है, एक बड़े ओवर की तलाश करवा रहे थे, लेकिन जैसे पहले ओवर में हमने देखा, पहले स्पेल में दो और नो बॉल मिले थे, वहाँ से गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया कामिल गेंदबाजी पर, लेकिन कामिल ने दबाव डालने में अभी तक अपनी कामयाबी हासिल की। ओवर की समाप्ति हो चुकी यहाँ पर, तो अब देखना होगा आखिरी छः बॉल, आखिरी ओवर यानी आखिरी छः गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 28 रन। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, युवराज सिंह ने छः गेंदों में 6 सिक्स मारे थे, हर्षद गिप में 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे, तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ओमी केनी ने भी टेनिस क्रिकेट जगत में 6 छक्के मारे थे, और मुझे लग रहा भूषण पाटिल, उसके अलावा नीलेश भोईर, उन्होंने भी 6 छक्के मारे हैं, तो टेनिस क्रिकेट जगत में कई रिकॉर्ड ऐसे बने हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक बल्लेबाज जो है, और इस गाँव के मुनाफ फक्की, उन्होंने भी शायद 6 छक्के मारे है, तो अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रमजान, जो कि सलामी बल्लेबाज है, क्षमता है, कोशिश करनी चाहिए। अब गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी पर आ चुके नए गेंदबाज आयान, 6 गेंदों पर चाहिए 28 रन। मुकाबला तगड़ा जरूर है लेकिन कोशिश करनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करवाना चाहिए। डीप स्कोर लेग, वाइड स्मिड विकेट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, सिली मिड ऑफ, पहली गेंद ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अभी भी 6 गेंदों में चाहिए 27 रन। लगातार 2 गेंदों पर अगर 2 छक्के आ जाते हैं तो मैच में रोमांचकता बन सकती है, यहाँ से सोच रखनी चाहिए बल्लेबाज अयान को किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। इस बार थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा, फिर से वाइट बॉल, बैक टू बैक दूसरा वाइट बॉल, अधिकतर रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अभी भी 6 गेंदों में चाहिए 26, यानी 6 गेंदों में चाहिए 26 रन। गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं गेंदबाज अयान, लेकिन बल्लेबाज की कोशिशें नहीं लग रही है। बड़ा शॉट, उम्दा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मिलेंगे, क्लासिकल शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से 6 रन, तो इसे 6 रन। आज गेंदों में चाहिए अभी भी 20 रन, इस बार नो बॉल शायद मिल चुका है, नो बॉल मिल चुका है, 2 की 2 डिमांड होनी चाहिए, 2 रन मिलेंगे भी और नजदीकी मामला, जी नहीं 2 रन और मिलेंगे यानी प्लस 1, 3 रन मिलेंगे यानी फ्री हिट भी मिलेगा, ऊपर से 3 एक्स्ट्रा रन, 5 गेंदों में चाहिए 17 रन। मैच कहां से कहां चला गया, 6 गेंदों में चाहिए 28 रन, बैक टू बैक 2 बॉल वाइड फेंके, उसके बाद छक्का आया और फिर से नो बॉल, यानी एक्स्ट्रा जो मिले वहां से टीम की नैया आप किनारे पर लड़खड़ा रही है। 5 गेंदों में चाहिए 17 रन, अब ऊंट किस करवट बैठेगा, हवा का रूप किस मिजाज बदलेगा, क्रिकेट किस अंदाज में अपना रंग बदलेगा, ये बताना मुश्किल होगा। चले थकावट चेहरे पर साफ दिख रही है, चले अंपायर ने पानी की डिमांड की है, लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर का धूप गिर रहा है, ऐसे हालात में पानी का उपलब्ध करवाना बड़ी उपलब्धि होती है, मुझे लग रहा प्लेयर ने पानी का डिमांड किया। सचिन पानी होना जरूरी होता है, हर खिलाड़ी कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी का सेवन करवाना चाहिए। 5 गेंदों में चाहिए 17 रन, अब मैच जो है वो बन चुका है, मैच बन चुका है, कैफे थंडर्स ने मैच में वापसी करवाई है, 2 वाइड बॉल 1 नो बॉल यानी 5 एक्स्ट्रा रन, उसके बाद आया है छक्का, मैच में रोमांचकता बन चुकी है, मैच पूरी तरह से करवट बदल चुका है, यहां से अब बताना मुश्किल होगा। अभी भी 5 गेंदों में चाहिए 17 रन। चलिए नईम पटेल अगर कैच लपक लेते हैं तो सोयब मिया हसन पटेल इनकी तरफ से 1000, चलिए पैसे आ चुके हैं, आप तो बोलना पड़ेगा, मैच का नजारा बदल चुका है, 5 गेंदों में चाहिए 17 रन, कहां से मैच कहां चला जाता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, लेकिन गेंदबाज अयान के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ
जबकि सलामी बल्लेबाज तारीफ काबिल बल्लेबाजी रमजान की। जी नहीं, दो की डिमांड होनी चाहिए लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा, ये नजदीकी मामला हो सकता है। यहाँ पे बड़ा हिट चाहिए था सचिन, लेकिन केवल मिला है सिंगल, तो चार गेंदों में चाहिए 16 रन। देखिए सूरज पाटिल जी खास करके समय निकाल पर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने खास करके हर गेंद को परख रहे, अपने तरफ से मैच को ऑर्गेनाइजन करवाते हैं और एक दोस्ती की दुनिया के राजा इस बात का उदाहरण पेश करवाते हुए। कमाल किया शेड्यूल रहा है उनका। चार गेंदों में अभी भी 14 रनों की आवश्यकता, मैच बना हुआ है अभी भी। बड़ा शॉट मारने का प्रयास करना चाहेंगे, एक से काम नहीं चलेगा, दो की कोशिश होनी चाहिए और दो रन मिलने भी चाहिए। और यहाँ पे नजदीकी मामला है लेकिन मिलेंगे दो रन और मिलेंगे, तो तीन गेंदों में चाहिए 12 रन। खेरने प्रीमियर लीग का एकमात्र ऐसा मैच केपी थंडर्स अगेंस्ट एमडी एसएन स्टार, एक ऐसा मैच जो बहुत ही रोमांचक मैच होता हुआ। देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरह ड्रेस परिधान किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की टीम अंतिम गेंद तक अपना संघर्ष जारी रखवाती है, उसी अंदाज में केपी थंडर्स के खिलाड़ियों ने अपना संघर्ष जारी रखा हुआ है। क्या कमाल का संघर्ष चल रहा है। दूसरी तरफ जो ड्रेसिंग कोडिंग करवा रहे हम देख रहे हैं केपी थंडर्स का, उनका ड्रेसिंग अगर हम देखेंगे भारतीय टीम की तरह है, तो दोनों के भी तगड़ा मुकाबला चलता हुआ। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए तीन गेंदों में चाहिए 12 रन, मैच पूरी तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे चार या छह रन आने चाहिए। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास खिलाड़ी वहां पर, लेकिन नहीं, जी रोकने का प्रयास किया था। क्या कहते हैं अंपायर देखना पड़ेगा, दो की तो डिमांड हो चुकी है, और तो हो चुका है, और ये नजदीकी मामला। जी नहीं, दो सही। चलिए केपी थंडर्स के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, डगआउट के अंदर जाइए। केपी थंडर्स आपके ही रन रुके जाएंगे, आप डगआउट में अंदर बैठिए। दो बॉल में 10 रन चाहिए, कंपल्सरी चेस। क्या कमाल का मैच हो रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा होते जा रहा है, पूरी तरह से एमडी एसएन स्टार के खिलाड़ियों ने अपने पैच में पकड़ बना के रखी हुई थी, लेकिन केपी थंडर्स को एक बड़ा ओवर मिला, वहां से मैच में वापसी करवाइए। अभी भी बड़ा शॉट मारने के बाद शॉट बैकवर्ड्स खेलने की दिशा में गेंद गई है, अब मैच निकल चुका है, अब तो केवल औपचारिकता बची हुई है। यहाँ अगर बाउंड्री आ जाती तो मैच रोमांचक ले सकता था, लेकिन सिंगल रन आ चुके, अब चाहिए आखिरी गेंद पर 9 रन। अब यहाँ पे 9 रन तो बनाना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लग रहा है 9 बॉल आ जाता है तो फिर बात बन सकती है। यहाँ पे अगर गेंदबाज 9 बॉल ना फेंके ये बेहतर होगा, या फिर एक्स्ट्रा रन ना दे तो बेहतर होगा। क्या कमाल का मैच हुआ है, जिस मैच की तलाश थी, एक पैसा वसूल मैच। आज़ाद खेलने ग्राउंड में आज खचाखच भरा हुआ दर्शकों से आज एक पैसा वसूल मैच, अंतिम समय पर इस मैच को जीता है एमडी एसएन स्टार के खिलाड़ियों ने। एक दूसरे को शेखान करवा दीजिए, मैच कमाल का हुआ, कोई भी जीते है लेकिन क्रिकेट की जीत हो चुकी है। एक सेलिब्रेशन होना जरूरी है, एक दूसरे को बधाई देना जरूरी, क्योंकि हाथ मिलाना जरूरी है, और क्योंकि ये जरूरी होता है, खेल भावनाओं को